बीती रात एक पत्रकार को बाइक पर आए तकरीबन 6 बदमाशों ने मारपीट करने के बाद उसे गोली मार दी। गोली उसके सिर में मारी गई, जिसे गंभीर अवस्था में शहर के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी वीडियो में देखिए किस तरह एक शहर के एक व्यस्त चौराहे पर उसे गोली मारी गई। घायल पत्रकार विक्रम जोशी के साथ उस वक्त उनकी बेटी भी थी। दरअसल 3 दिन पहले आरोपी युवकों ने उनकी भांजी पर अश्लील फप्तियां कसी थी, जिसको लेकर मारपीट भी हुई थी। भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाबत रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद से आरोपी युवक लगातार धमकी दे रहे थे। मुकदमा होने के 3 दिन बाद तक उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी का नतीजा था कि उन्होंने विक्रम को घेर कर गोली मार दी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अपराधी फिलहाल पुलिस की पकड़ में नहीं। जोशी, आपके भाई को गोली मारी गई है, कौन है वो और किन्होंने गोली मारी है? ये आदमी मैं जानता नहीं किसी को भी, कौन जाए वो लड़के। उन्होंने एक साथ झुंड माला घेरा था डबल टंकी के पास, लाल की दुकान के सामने, हलवाई की। अच्छा, की क्यों मारी गोली? हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, सबने विरोध करा। उस चक्कर में वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी थी थाने के अंदर, देने के बाद 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था? हाँ जी। तो अरेस्टिंग नहीं हुई थी क्या उनके अभी तक? ये मुझे नहीं पता सर। अब क्या स्थिति है? हाँ भैया, गोली मार के अंदर यशोदा में एडमिट है। कहाँ पे गोली मारी गई है? सिर में गोली मारी है। अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल कर किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।